ये वही करील है जिसे कृष्ण और कृष्ण के साथ ग्वाल बाल इसका फल खाते थे। ये गुफा यहाँ तक है, इतनी ओढ़ी थी, इतनी गहरी थी कि वो यहाँ तक आती है। यानी कि जो गुफा अंदर हम देख रहे हैं वो गुफा यहाँ तक आती थी, जमीन के अंदर अंदर। हाँ, जमीन के अंदर अंदर। ये तो जिसे कहते हैं निकलते ही वापस जड़ में, धरती में समा गया। ये देखो, अब ये नहीं पता कि जिसे कहते हैं वहाँ से ये निकल रहा है धरती पे, ये यहाँ से, लेकिन जड़ किधर से है। जैसे कि ये देखो, निकलते ही घूम गए वापस। ये नहीं पता कि जड़ कहाँ है, ये नहीं पता कि जड़ कहाँ है इसकी। आपने भी कहीं शायद ही देखे होंगे ऐसे वृक्ष कि जो धरती से निकलते ही वापस धरती में समा गए। वो देखो आप, यानी कि गोल घुमा भाई पेड़, निकलते ही धरती पे समा गया। ऐसे वृक्ष हैं इस स्थान पे। मोतियों के पेड़ काफी हैं इसमें मौके पर। ये देखो यहाँ पे भी कितने पेड़ हैं मोतियों के, काफी पेड़ हैं। और ये देखो चारों ओर मोतियों के वृक्ष हैं यहाँ पे, चारों ओर जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको मोतियों के वृक्ष दिखेंगे। एक वो रहा कोने में, एक ये रहा पीछे, और एक इसके पीछे है। सारे वृक्ष यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं मोतियों के देखने को मिलेंगे, चारों तरफ हर जगह फैले हुए। ज्यादातर इस वनी में मोतियों के ही पेड़ ज्यादा है, मोतियों के पेड़ ज्यादा इस वन में। यही राधा कृष्ण आकर के मिलते थे, यही मिलते थे। चारों तरफ वन ही वन, चारों तरफ वन ही वन। और केवल इस स्थान पे एक स्थान है जो कि इस सामने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को एक ऐसे स्थान पे लेके आया हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी लीलाएं हुई हैं। इस स्थान पे भगवान श्री कृष्ण 11 साल 56 दिन रहे हैं। ये है नंदगांव। हमने आपको यहाँ पे कई स्थली दिखाई है भगवान की, जैसे कि नंद भवन, मोती कुंड, चरण पहाड़ी, काफ़ी स्थान हमने आपको यहाँ पे दर्शन कराए हैं, साथ ही हमारा दोमिल वन। आप सभी को आज मैं जहाँ पर लेके आया हूँ यह है पूर्णमासी, इसको कहा जाता है। इस स्थान का नाम है पूर्णमासी, नंदगांव में ही ये स्थान आता है। और जिसे कहते हैं दोमिल वन, हम जैसे जाते हैं दोमिल वन के थोड़ा से पहले ही, अगर आप नंदगांव से बरसाने की तरफ जा रहे हैं तो दोमिल वन से पहले ही यहाँ के लिए कट आता है। वो हम आपको मुख्य द्वार पे दिखाएंगे भी कि हम कैसे आए हैं। हालांकि यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत सकरा रास्ता है, दोमिल वन से भी रास्ता थोड़ा सा जिसे कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि बहुत सकरा और ख़राब रास्ता है। कि मेरी गाड़ी भी जो है वो दो तीन बार मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, क्योंकि जो मार्ग पर पत्थर लगाए हुए थे, गड्ढे काफ़ी थे, वो पत्थर इतने उचित थे अगर उसको मैं बराबर नहीं करता तो गाड़ी पर टच हो सकते थे। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं रास्ता बहुत ख़राब है, मैं ये कहूँगा। अगर आप गाड़ी से आ रहे, छोटी गाड़ी से आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि गाड़ी को बाहर खड़ी करके आप पैदल आएँ, या फिर किसी के सहायता लेके आप यहाँ पे आए तो आपके लिए बेहतर होगा। रास्ता इतना ज़्यादा सकरा रास्ता है कि अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती है तो आपको गाड़ी पूरी बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जिसे कहते हैं दो गाड़ियों का बिल्कुल भी ऐसा मार्ग नहीं है कि दो गाड़ी एक साथ निकल सके। जाते हुए हम आपको मार्ग भी दिखाएंगे। मुख्य मार्ग से, मुख्य जो सड़क है उससे ये स्थान अंदर 1.25 किलोमीटर के अंतर्गत है। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा स्थान जो है ये पूर्णमासी कहलाता है। यहाँ की कथा, यहाँ के दर्शन मैं आपको इस वीडियो में आगे कराऊँगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, आज यहाँ पर हम आए हैं जो दोमिल वन में गौसेवक जी हैं उनके संग। तो हमें यहाँ के बारे में पहले भी पता चल गया था, लेकिन कहते हैं जब बिहारी जी की मर्जी होती है, ठाकुर जी की मर्जी होती है, राधा रानी की मर्जी होती है, तभी आप उनकी लीला स्थली में जा पाते हैं। आज मैं यहाँ पे आ पाया, ये ठाकुर जी की मर्जी है, और आज मैं आया हूँ गौसेवक जी के साथ में, क्योंकि गौसेवक जी यहाँ पर पहले अपनी सेवा दे चुके हैं। 1.5-2 साल वो यहाँ पर रहे थे सेवा के लिए, और उनसे भी जानेंगे यहाँ के कथा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य महाराज जी हैं वो 8 या 10 महीने हुए हैं उनको यहाँ पे आए हुए, और वो बंगाली हैं, उनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती है। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत उनसे पूछ सके, अगर वो कैमरे में नहीं आते तो हम गौसेवक जी से ही पूछेंगे यहाँ की कथा, और आपको समीप से दर्शन कराएंगे। हमारे साथ हैं आज गौसेवक जी। राधे राधे गौसेवक जी। राधे राधे गौसेवक जी, यहाँ के बारे में कुछ आप बताइएगा। हम ये यहाँ गुफा में भजन करते, भगवान की लीला के लिए फूल माला वगैरह बनाती थी। मधुमंगल की माँ है, यानी योग माया के नाम से ज़्यादातर प्रसिद्ध है, योग माया के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा गौसेवक जी, जैसे यात्राएं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज हमें आते हुए परेशानी हुई है काफ़ी, तो यात्राएं नहीं आती? नहीं, यात्रा नहीं आती। तो ये एक आध ही व्यक्ति आता है दर्शन मेला के लिए, वैसे यात्रा नहीं आता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा
ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता था, ये बहुत सकर रास्ते से हम लोग आए हैं। गाड़ी दो तीन बार हमारी जो है नीचे टच हो गई थी, जो यहाँ पे पत्थर वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे कि इस प्रकार के गड्ढे हैं, और इन गड्ढों में वो पत्थर भरे गए हैं लोकल के थ्रू, और लेकिन वो पत्थर इतने ऊँचे नीचे थे कि हमारी गाड़ी दो तीन बार टच हो गई थी नीचे से। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं किसी की हेल्प लेके आए यहाँ पे, और लोकेशन भी मैं यहाँ की आपको प्रोवाइड कराऊँगा, और साथ ही जिसे कहते हैं हम आपको यहाँ पे तो लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो कुंड है। गौसेव जी, कहाँ है वो कुंड, उसके बारे में बताओ। थोड़ा आगे ही है, उसे कहते हैं फूलवती कुंड। फूलवती कुंड यानी कि ठाकुर जी के लिए फूल माला वगैरह बनाने के लिए कुंड बनाया गया था, जिससे जल लिया जाता था, और उसी से ही फूल माला के लिए उगाए, पेड़ के लिए, सब चीज के लिए, यानी कि वो ठाकुर सेवा में व्यवस्था के लिए था ये कुंड बनाया गया है, फूलवती कुंड के नाम से। फूलवती कुंड के नाम से, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ गौसेव जी, सेवा बिल्कुल नहीं होती होगी यहाँ पे। नहीं, सेवा को देखो, रास्ता ही नहीं है तो भक्त लोग कम आते हैं, कोई बहुत कम। देखो, ये आपके लिए ना बिल्कुल नया स्थान है, मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ पे आज मैं आपको लेके आया हूँ, और ये स्थान अपने आप में बहुत अद्भुत स्थान है, क्योंकि गांव से हार्डली 1.25 किलोमीटर के अंदर है, और लेकिन यहाँ सेवा बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, और ये बिल्कुल अनसीन प्लेस आप कह सकते हैं इसको। ये है कुंड जी। ये देखो आप, अभी इस टाइम पर आपको साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि हर जगह फॉग है, कोहरा है हर जगह, और यहाँ पे हम चलते हैं उस तरफ से आगे की तरफ जाने के लिए। ये देखो, ये बना होगा पहले के टाइम पर, ये जो सरोवर है, ये कुंड है, लेकिन चारों तरफ से ये कच्चा है, और केवल घाट बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे केवल ये घाट बना हुआ है, और ये भी जिसे कहते हैं, आप सामने अगर नज़र, थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने की, लेकिन विजिबल आपको नहीं होगा, सामने काफ़ी जिसे कहते हैं बतख हैं, जो पानी में तैर रही हैं इस तरफ में, जितने आई होप कि आप देख पाएँ, और सामने की तरफ पूरा कोहरा है, यानी कि फॉग है हर जगह, तो आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा। ये है अनसीन प्लेस, मैं आपको रियलिटी बताऊँगा आप सभी को। यहाँ पे मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, और ये भी मेरे लिए जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नया है, अनसीन प्लेस है, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। नाम काफ़ी बार सुना था, काफ़ी बार गौसेवक जी ने मेरे साथ इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन समय ना होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं आ पाया, और ठाकुर जी की कृपा से आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सभी को दिखा रहा हूँ। आनंद आ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि जो ठंडक है ना फॉग की, जो कोहरे की ठंडक है, उसमें ये जिसे कहते हैं यहाँ के दर्शन बहुत अद्भुत एहसास करा रहे हैं। तो गौसव जी, यहाँ के बारे में जैसे कि हम ये देख रहे हैं, हाँ ये बताया आपको, ये फूलवती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, ठाकुर जी की सेवा के लिए यहाँ से जल लेकर के फूल माला के लिए जो फुलवारी लगाई जाती थी वो जल जाता था यहाँ से, यहीं से जाता था वो जी। तो ये कितना प्राचीन होगा ये? नहीं, ये तो तभी का है जब का मतलब ये कि ठाकुर जी ने लीलाएं की थी, तभी का है ये, तभी का। और शुरू की लीला ठाकुर जी की यहीं से शुरू होती है, जितनी भी लीलाएं शुरू होती हैं यहाँ। सैंडल ऋषि की पत्नी जो कि योग माया कहते हैं हम, पूर्णमासी प्रोतानी, यहाँ गुफा में भजन करती थी, भजन के प्रभाव से श्री कृष्ण परे से राधा रानी बरसाना से यहाँ बुलाई जाती थीं, फिर उनका फूल श्रृंगार किया जाता था, भगवान की सबसे श्रेष्ठ सबसे पहले यही लीला हुई, फिर इसके बाद में नंदगांव में काफ़ी जो भी लीलाएँ चलीं इसके बाद ही चली। यानी कि भगवान यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11 साल 56 दिन रहे थे जी। हाँ, और साथ में पूछना चाहूँगा गौसेव जी, ये कितना गहरा होगा लगभग, कुछ अंदाज़ा है कुंड का? नहीं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, वैसे ज़्यादा गहरा तो नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं। हाँ, क्यों पहले होगा लेकिन अब फिलहाल में ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट गहरा होगा ये फिलहाल में। इस घाट पर से तो बहुत हो जाएगा गहरा, लेकिन अंदर जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियाँ में यानी पानी जो अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 फुट। वृक्षों को देखो आप, कितने विशाल,
ये वृक्ष हैं और ये सभी पीलू के वृक्ष हैं गौसेव जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीलू मैं आपको बता दूं, पीलू का अर्थात यहाँ पे नंदगांव में पीलू मोती को भी कहा जाता है, तो पीलू एक फल भी होता है। हाँ जी, पीलू, और ये पीलू का ही पेड़ है ये जी, और उसको मोती भी कहा जाता है। हाँ, मोती इसमें लगते हैं, जैसे कि हम कह दें, हम अपनी भाषा में कह देते हैं पीलू, और भक्त लोग कहते हैं कि मोती लगे हुए हैं, मोती का पेड़ है, मोती का पेड़ जी। तो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन इनकी विशालता देखो, और दूर दूर तक, ऐसा नहीं है सिर्फ यही वृक्ष है, 1, 2, 3 काफी है, 4 और पीछे 5वां, और काफी है, काफी है, पूरी जगह इस 14 एकड़ से कुछ फालतू है, सारे में काफी पेड़ खड़े हुए हैं, काफी वृक्ष है, काफी वृक्ष है, और स्पर्श ऐसा हो रहा है कि धरती यानी कि रज को छू रहे हैं। ये देखो आप सभी, इनकी जो ये डालियां हैं ये सभी वापस नीचे झुक रही हैं, और इस वृक्ष को देखो, कैमरे में ना रियलिटी बताऊं मैं आपको, वो फील नहीं हो रहा आपको जो हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। इन इस वाले वृक्ष को देखो आप, ये तो जिसे कहते हैं निकलते ही वापस जड़ में धरती में समा गया। ये देखो, अब ये नहीं पता कि जिसे कहते हैं वहाँ से ये निकल रहा है धरती पे, ये यहाँ से, लेकिन जड़ किधर से है, जैसे कि ये देखो निकलते ही घूम गए वापस, ये नहीं पता कि जड़ कहाँ है, ये नहीं पता कि जड़ कहाँ है इसकी, सच में। और ऐसा आपने भी कहीं शायद ही देखे होंगे ऐसे वृक्ष कि जो धरती से निकलते ही वापस धरती में समा गए, वो देखो आप, यानी कि गोल घुमा हुआ पेड़ निकलते ही धरती पे समा गया। ऐसे वृक्ष हैं इस स्थान पे, ये स्थान अब तक का जिसे कहते हैं ना नंदगांव में सबसे इंटरेस्टिंग, ये सबसे ज़्यादा लीला स्थली में आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। चारों तरफ वन ही वन, चारों तरफ वन ही वन, और केवल इस स्थान पे एक स्थान है जो कि इस सामने है। ये देखो इस तरफ रास्ता जा रहा है, मार्ग जा रहा है, इस तरफ भी पीछे बैक साइड पूरा वन है, और 14 एकड़ के अंदर यही एक स्थान है, 14 एकड़ में यही एक स्थान है, यही एक स्थान है। अभी हम लोग आपको कुंड दिखा के आए हैं, और यहाँ पर भी एक पेड़ है मोतियों का, आनंदपूर्वक यहाँ पे एक मंदिर मौजूद है, आप देखेंगे ये है शिव परिवार और हनुमान जी। आपको यहाँ पे दर्शन कराना चाहूँगा, यहाँ पे एक लीला को दिखाया गया है, सबसे पहले आप दर्शन कीजिए। इसके बारे में गौसेव जी कुछ बताइएगा आप हमें। जो योग माया जी हैं, जिनके जो कृष्ण हैं पीछे खड़े हुए हैं, वो माता के आँखों को दबा रहे हैं, यानी आँखों को मूंद रहे हैं कि माता हमको पहचान ले कि हम आ गए या नहीं आए। और जो राधा रानी हैं वो माता के गोद में बैठी हुई हैं। ये योग माया हैं जो कि सांडिल ऋषि की पत्नी हैं, और राधा कृष्ण के लिए फूल श्रृंगार के लिए यहाँ भजन करती थी, यानी कि भजन के लिए आए थे। तो इन्होंने एक गुफा है जो प्रसिद्ध पुरानी, उस गुफा के ही अंदर भजन करती थी, वो आगे गुफा है, आप आइए गुफा के दर्शन। ये वो गुफा है अंदर? हाँ जी। तो ये इसी गुफा में भजन करती थी? हाँ, ये गुफा है जो बहुत पुरानी थी, इसका जगह गेट है यानी मार्ग है, गुफा लुप्त हो चुकी है, क्यों पहले जन्ना जाने जन कितनी परसों पुरानी बातें हैं, लेकिन ये गेट है, ये मार्ग है, इसमें ही गुफा के अंदर भजन करती थी, यानी कि आज यही राधा कृष्ण आकर के मिलते थे, यही मिलते थे इसी गुफा के अंदर, इसी गुफा के अंदर। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो स्थान है, और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पर हम नॉर्मल उस पर खड़े हुए हैं, लेकिन नॉर्मल इस जगह से आप देखेंगे ये काफ़ी गहराई में नीचे दर्शन है। आप देखिए, ये है वो गुफा जिसके बारे में अभी गौसेवक जी ने बताया। गौसेवक जी, इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप?
नहीं बस खाली इतना ही है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ भजन करती थी। हाँ माता आकर के भजन करती थी, यहीं जो है का एक राधा और कृष्ण को बुलाती थी और यहीं ग्वाल वाल सब आते खेलते कूदते माता के साथ। तो माता तो माता जो है नित्य भजन करती थी, नित्य नित्य ही सेवा रहती थी, यहीं सेवा रहती थी। वो ऊपर नंद बाबा के पास नहीं रहती, ऊपर नहीं रहती नहीं, वहाँ से तो वो आई थी छोड़ करके कि यहाँ ये बच्चा ज़्यादा जो है मुझको भजन नहीं ध्यान नहीं करने देते, परेशान करते, मैं तो अलग से जो है जा कर के अब भजन करूँगी। तो जब यहाँ आ गई तो भगवान का भजन तो करना ही था, तो कृष्ण को और राधा को यहीं आना पड़ा। नंद बाबा यहाँ गोकुल से जब आए थे तो इसी वजह से आए कि हम गुरु की शरण में जाएं और वहाँ जा कर के रहेंगे ताकि हमको कंस के राक्षस हमारे बच्चे को परेशान ना करें। गुरु की शरण में जाकर के नंद बाबा रहे और उसके बाद में गांव का नाम पड़ गया नंदगांव। नंदगांव तो एक बार हम आपको नीचे लेके चलते हैं। बताऊं मैं अब आ चुका हूं गुफा के अंदर और अभी जो यहां के मुख्य पुजारी जी हैं उन्होंने बताया है कि जो मुख्य जो गुफा है, जो पुरानी गुफा है, प्राचीन गुफा है, वो इसी गुफा के बैक साइड से उसका नीचे यानी कि जमीन से नीचे रास्ता जा रहा है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन उस गुफा को अब बंद कर दिया गया है, उसके अंदर अब सांप वगैरह निकलते हैं काफ़ी और वहाँ पे ज़्यादातर सांप रहते हैं, तो उस गुफा को इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे कोई हादसा ना हो जाए किसी के साथ। इसीलिए अब इस गुफा मतलब उसी गुफा के आगे के हिस्से को यहाँ पे बना दिया गया है ताकि ये उस भांति के आपको दर्शन हो सके कि ये गुफा ही है। और आपको समीप से दर्शन कराता हूँ मैं, आप समीप से दर्शन करो। आने के लिए बाहर जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, आप यहाँ पे आके अंदर नीचे उतर के दर्शन कर सकते हैं और समीप से आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं दर्शन करके। अब मैं गुफा के बाहर आ गया हूँ, अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जो मुख्य जो गुफा थी मंदिर के, इस गुफा के बैक साइड ही वो मार्ग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तो वो गुफा है जो अभी मैंने आपको नीचे जाके दिखाया था। ये गुफा यहाँ तक है, इतनी ओढ़ी थी, इतनी गहरी थी कि वो यहाँ तक आती है। यानी कि जो गुफा अंदर हम देख रहे हैं वो गुफा यहाँ तक आती थी जमीन के अंदर अंदर। हाँ जमीन के अंदर अंदर। अब इसको बंद कर दिया गया, उसका कारण ये है कि जो बरसात में कुछ अब समय में उसमें कीड़ा रहने लग गया, कहीं सांप कहते हैं, सांप वगैरह का डर रहने लग गया। अंत में वो थोड़ी बैठ गई थी, मिट्टी की थी कच्ची, बैठ गई थी, फिर उसको बंद ही रख दिया है। उसका मार्ग ही दिखा दिया कि ये मार्ग है, ये गेट है। यानी कि जो मुख्य जो गेट था गुफा का वो अभी आप सबके दर्शन के लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य मतलब जो मार्ग था अंदर गुफा में प्रवेश का, वो अब बंद कर दिया गया है। उसका जैसे रीज़न बताया कौशिक जी ने कि यहाँ पे अब बरसात के टाइम पर सांप बिच्छू वगैरह जो भी थे वो अंदर काफ़ी रहते थे और गुफा मिट्टी की थी तो वो बंद हो गई। कांटे करील कुक जल खारी, देखी श्याम मधुपुरी तुम्हारी। ये वही करील है जिसे कृष्ण और कृष्ण के साथ ग्वाल बाल इसका फल खाते थे। आपको समीप से मैं एक बार बैक साइड से और दिखा देता हूँ। तो ये अब आप कभी यहाँ पे आएंगे तो मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे आएंगे अगर आप अकेले आ रहे हैं, आपके साथ कोई गाइड नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो तीन कट्स हैं जो लेफ्ट राइट जा रहे हैं। तो मेरे साथ थे गौसेवक जी, तो उनके साथ में सरलतापूर्वक यहाँ पे आ पाया। आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने साथ किसी गाइड को रखिएगा, या अगर आपको कोई गाइड नहीं मिलते हैं तो आप जिसे कहते हैं गौसेवक जी की भी सहायता ले सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएंगे दर्शन कराने के लिए। साथ ही ये आप मैं बताना चाहूँगा मुख्य जो मार्ग है वो ये है, मुख्य मार्ग से जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे जैसे रुकते हैं गाड़ी के थ्रू आते हैं, पैदल आते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये जो एरिया है आप इस चीज़ से समझ जाइएगा कि मंदिर के जो बैक साइड है ये वाला पार्ट ये मुख्य गुफा है।
मुख्य गुफा का ये जिसे कहते हैं वही हिस्सा है जो अब यहाँ पे जिसे कहते हैं पीछे वाला एंड है ये गुफा का, और वो मुख्य गुफा का जो मार्ग है वो अभी भी ओपन है आप सबके दर्शन के लिए। तो यही दर्शन है गौसेव जी यहाँ पे बस? हाँ, फिलहाल में यही दर्शन है और कोई ऐसा नया यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये लगभग 14 एकड़ की धरती है जो पूरा मार्ग वन के रूप में है, और ऐसे जो मोतियों के पेड़ काफ़ी हैं इसमें मौके पर। ये देखो यहाँ पर भी कितने पेड़ हैं मोतियों के, काफ़ी पेड़ हैं आपके घर पर भी नजर। और ये देखो चारों ओर मोतियों के वृक्ष हैं यहाँ पे, चारों ओर जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको मोतियों के वृक्ष दिखेंगे। एक वो रहा कोने में, एक ये रहा पीछे, और एक इसके पीछे है, सुंदरता सारे वृक्ष यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं मोतियों के देखने को मिलेंगे चारों तरफ हर जगह फैले हुए। वो वाला देखो कितना घना पेड़ है मोती का वो भी, और साथ ही ये वाले कितने घने पेड़ है, सब जगह मोती के वृक्ष यहाँ पे फैले हुए हैं। ज़्यादातर इस बनी में मोतियों के ही पेड़ ज़्यादा हैं, मोतियों के पेड़ ज़्यादा इस वन में। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये हमारे लिए मेरे लिए बिल्कुल अनसीन प्लेस है नंदगांव का। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो दर्शन करने ज़रूर आइएगा। यहाँ की लोकेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा जिससे आप सरलतापूर्वक यहाँ पे आ पाएँ। इसको कहा जाता है पूर्णमासी, तो आप किसी से भी पूछेंगे कोई भी आपको गाइड कर देगा नंदगांव में कि पूर्णमासी कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, मैं आपको यही कहूँगा। और मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पे जिसे कहते हैं भक्त नहीं आ पाते हैं, और जैसे कि गौसेव जी बता रहे हैं, और कि यहाँ पे भक्त तो बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं, जो गांव के लोकल हैं उन्हीं को पता है, वो भी वही यहाँ पे आते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। ऐसे स्थान मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जहाँ पे कोई नहीं जाता है, जहाँ पे भक्तों की रीच नहीं है। तो आपसे भी मैं जैसे कहते रिक्वेस्ट करूँगा इस स्थान पर भी ज़रूर आए दर्शन करने के लिए, आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं। वो देखो वहाँ पे जो हमने आपको दर्शन कराए थे ना, वहाँ पे मोर दाना चुग रहा है, देखो कितना सुंदर नजारा है, बहुत ही सुंदर। सारे मोर हैं देखो, अब मेरी उन पे नज़र पड़ी है, देखो सामने खेत पे कितने सारे मोर हैं। एक मोरा एक उस तरफ है, और एक तो ये यहाँ से उड़ के गया है, बहुत सारे मोर हैं। दर्शन मैं आपको करा रहा था लेकिन उससे पहले मेरी नज़र पड़ी है, देखो कितने सारे तोते बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो कितने सारे तोते हैं, हर डाल पे आपको तोता दिखेगा, और नीचे भी चिड़ियाँ हैं कितनी सारी, देखो उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। और यहीं पर अभी मैंने इतने सारे मोर देखे थे जो आपको मैंने दिखाए थे, जो ऊपर दाना चुग रहा था एक मोर, उसके बाद जब मैं यहाँ पे देखा मैंने वो उड़ के यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कम से कम चार मोर और थे, यहाँ पे तीन चार मोर। स्थान को कहा जाता है पूर्णमासी, और यहाँ पे जो जैसे कहते हैं हमें महाराज जी से हमने भेंट की, तो महाराज जी ने हमें बताया, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार है और कैसे वो हर चीज़ को मैनेज करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे लाइट नहीं है, और एक सूर्य लाइट है, छोटी लाइट है जिससे वो एक छोटी सी LED जलाते हैं, जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक मंदिर में आप ये देखेंगे, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये छोटी सी लाइट है, बस ये ही थोड़ा उजाला कर पाती है रात में। और जैसे कि इस टाइम पर फॉग है, ठंड का टाइम है, और कभी कभी सूरज नहीं निकलता है, तो वो चार्ज नहीं होती है, जिससे रात को भी अंधेरा ही रहता है यहाँ पे। और हमारे साथ महाराज जी भी, राधे राधे महाराज जी, राधे 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 महाराज जी। तो गौसेव जी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, या फिर लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, ये छोटी सी जो जगह धरी हुई है, जगह सूर्य लाइट, मैं दिखाना चाहूंगा, देखो आप ये छोटी सी लाइट है, ये सूर्य लाइट है यहाँ पे, और ये चलती नहीं है महाराज जी ज्यादा? नहीं चलती नहीं, 10 दिन होगा बंद होगा, अंधकार है 10 दिन से, बिल्कुल उजीता नहीं है क्योंकि कोहरा की वजह से चार्ज नहीं हो पा रही है बैटरी वगैरह, इसलिए ये बंद है।
बंद है। मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराज जी को प्रॉपर हिंदी नहीं आती, तो इसलिए हम लोग गौ सेवक जी बता रहे हैं, और तो हिंदी उनको नहीं आती प्रॉपर, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर चाहें यहाँ पे आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। जिस प्रकार आपने दोमिल वन पे सेवा की है, वहाँ पे लाइट नहीं थी पहले, सेम सिचुएशन वहाँ पे भी थी जैसे यहाँ पे है, ऐसी वहाँ पे हालत थी बहुत, काफ़ी यहाँ से भी ज्यादा थी फिलहाल में, जब तो ज्यादा समय पे आप आए जब आप, जब वहाँ पे कुछ भी कुछ नहीं भी था नहीं, जिसे कहते हैं ठाकुर जी ने सब वहाँ पे करवा दिया आज। तो आपसे मैं ये विनती करूंगा कि आप जिस प्रकार वहाँ पे सेवा आप सबने की है, उस प्रकार यहाँ पे भी सेवा कीजिएगा, ताकि यहाँ पे एक कम से कम एक बल्ब तो जल सके रात्रि में, कि अगर जैसे सूर्य नहीं निकल रहा है, लाइट जिसे कहते हैं, यहाँ पे अंधेरा ना हो रात्रि में। तो महाराज जी ये लाइट कब से नहीं है, जैसे कि वही दस बहुत दिन है, थोड़ा थोड़ा दस दिन होगा, दस दिन से तो लाइट आई नहीं रही है, आए नहीं, नहीं आ रही है, सूरज तो नहीं उठेगा तो लाइट कहाँ पाएगा, सूर्य नारायण निकल नहीं रहे और लाइट आ नहीं रही है, दस दिन से तो बिल्कुल बंद है, जो उजाला ही नहीं कर पा रही है, दस दिन के कोहरा से बिल्कुल बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही और लाइट का व्यवस्था नहीं है, अंधेरा रहता है, पानी बहुत समस्या है, पानी की पानी खूब खरा लवणक्त नूनचे नूनचे बहुत, पेड़ मुर गया, यही पानी तो देगा तो पेड़ मुर गया, यानी कि पेड़ वगैरह भी, पेड़ के लिए जो पानी आ रहा है वो खारी पानी है, कुआ से आ रहा है, वो पानी खारी है, खारी होने के कारण नहीं पेड़ जम पा रहा है, पेड़ यानी कि पेड़ भी नहीं उग सकते यहाँ पे, वो नहीं, और पानी आप पीने के लिए भी मुश्किल होता होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो फूल पुष्पों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब मुर गया। तो मैं आपको एक चीज़ ये राधे राधे महाराज जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि महाराज जी को तो हमने बड़ी मुश्किल से इसे कहते हैं उनको कन्विंस किया है कि आप कैमरे में आके बोलिए, कुछ तो आप बताइए, क्योंकि महाराज जी ने बिल्कुल मना किया था, वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको बोला तो वो थोड़ा बहुत आए सामने बताने के लिए, जैसे कि लाइट की व्यवस्था, यहाँ पे लाइट के लिए एक सोलर किट, यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ छोटा पैनल, जिससे जैसे कहते हैं ना वो, आप जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि दस दिन हो गए हैं लाइट को बिल्कुल भी नहीं आ रही है, वो छोटी सी एक इतनी सी जिसे कहते हैं ना मुश्किल से हार्डली उसमें 10 या 12 एलईडी वो होंगे बल्ब होंगे जो वो जल पा रही है। अच्छा ये वो बल्ब है देखो जो हम आपको बता रहे थे, जो महाराज जी बता रहे हैं, सिर्फ ये बल्ब है जो जलता है, और अगर ये बैटरी खत्म हो गई तो नहीं जलेगा, नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पे प्रॉपर जिसे कहते हैं वो एक अगर बल्ब जलाना चाहे तो वो बल्ब नहीं जलेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे स्थान पे भी सेवा कीजिएगा अगर आप सेवा करना चाहें। डिटेल आपको शो हो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की, जिस प्रकार हम आप सबकी सेवा लेकर जाते हैं हर स्थान पर और आप सबकी सेवा लगाते हैं, आप अगर चाहें तो इस स्थान पर भी सेवा कीजिएगा, ये नंदगांव में ही आता है, आप स्वयं आके भी यहाँ पर सेवा कर सकते हैं। किसी से भी पूछेंगे कि पूर्णमासी कहाँ है, तो पूर्णमासी के लिए कोई भी आपको इजीली बता देगा। ऐसे स्थान पर हम आपको लेके आ रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर लीला हुई हुई है, हमने आपको दर्शन कराए उस लीला स्थली के, हमने आपको कुंड के दर्शन कराए, अंदर गुफा के दर्शन कराए, आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और सेवा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर कि मैं आपको क्या क्या यहाँ पे चीज़ें दिखाऊं। तत्काल में जो सेवाएं होनी है उनके लिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लाइट नहीं है, रुकने की व्यवस्था यहाँ किसी भक्त के लिए भी नहीं है, और इनफैक्ट लाइट भी नहीं है, रात्रि में वही सिचुएशन है जैसे दो मिल वन पे पहले थी, कि रात को हम जब 5-6 बज जाते थे तो हमें निकलना होता था कि हमें लगता था कि हम किस प्रकार निकलेंगे, क्योंकि अंधेरा रहता था, लेकिन अब आप सबकी सेवाओं से वहाँ पर इतना फ़र्क आया है, तो ऐसे ही यहाँ पर अगर सेवा करेंगे तो बहुत उचित होगा। डिटेल आपको सामने शो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की, आप हमें सेवा कर सकते हैं, हम आपकी सेवा यहाँ पे लेकर आएंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक जिसे कहते हैं कक्ष बना हुआ है, और यहाँ पे भी मुझे लगता है व्यवस्था कक्ष नहीं है, ये है रसोई घर, ये रसोई घर है जी हाँ, जब ठाकुर जी के भोग प्रसाद बनता है इसके अंदर, तो इसकी टीन जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, टीन की सख्त जरूरत है यहाँ पे, यानी कि ठाकुर जी का प्रसाद बनता है। हाँ जी, ठाकुर जी का प्रसाद बनता है, रसोई घर है, और देखो ये सारी टीन गल गई है इसकी, तो ये कोई भक्त सेवा करना चाहे तो जल्दी से जल्दी इस टीन की सेवा जरूर कर दे। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ठाकुर जी की सेवा होती है, यानी कि भोग प्रसादी बनती है उनके लिए, और इसमें जो टीन है, और वो टीन आप देखेंगे व्यवस्था देखो उसकी, पूरी वो टीन गल चुकी है बारिश के पानी से। महाराज जी राधे राधे, आपसे बस एक मैं हम सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि ठाकुर जी के भोग प्रसादी आप बनाते हैं तो इसी कक्ष में बनाते हैं आप? इसी में बनाते हैं, चूल्हा में बनाए इसे बनाते, तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो परेशानी नहीं होती, पानी अंदर आता है? ओई मुशिक की टट्टी का वो इसे ऊपर से तो फिर पानी उन मध्य पड़ गया, खूब खराब हो गया है, खराब होगा ठाकुर जी का, तो
सारा भोग प्रसाद खराब हो जाता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखिए, जैसे महाराज जी स्वयं बता रहे हैं कि यहाँ पे जो वो भोग प्रसाद ही बनाते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऊपर पशु पक्षी रहते हैं उनका जो, जैसे कहते हैं, जो भी मल होता है उसका भी पानी उनका यहाँ पे लीक कर जाता है जो भोग प्रसादी में चला जाता है। तो टीन की जो सबसे पहले जरूरत है टीन की व्यवस्था के लिए, आप देखेंगे टीन की जो आप परिस्थिति देखिए आप, ये यहाँ पे सारी व्यवस्था इसकी खराब हुई हुई है। तो यहाँ पे आप इसके लिए सेवा ज़रूर कीजिएगा। ऐसे स्थान अभी भी जिसे कहते हैं ना नंदगांव में, ब्रज में काफ़ी मौजूद है, जो आपको यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस स्थान पे ज़रूर दर्शन के लिए आएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे किस प्रकार की ज़रूरतें हैं, कि यहाँ पे सबसे पहले तत्काल में जो सेवा होनी है वो, तो ये जिसे कहते हैं ना, मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि ये सेवा अगर आप करेंगे तो बहुत उचित होगा, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी की रसोई बनती है इस गर्भगृह में। और यहाँ पे जिसे कहते हैं इस कमरे में आप देखेंगे कि छत का ही जिसे कहते हैं पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो महाराज जी को बाहर यहाँ पे उनकी रसोई करनी पड़ती है चूल्हे में, इसमें ठाकुर जी की। तो ऐसे स्थान जो ब्रज में आज भी दिव्य हैं, मौजूद हैं, जहाँ पे चारों तरफ मोतियों के पेड़ हैं और बीच में स्थान है, इसको जिसे कहते हैं मैं आपको किस शब्द में बयां करूं कि ये कितना अद्भुत स्थान है। तो गौसेवक जी, उम्मीद करते हैं कि कोई सेवा अगर आएगी हम यहाँ पे सेवा जरूर करेंगे। जल्दी कोशिश करना, ठाकुर जी की कृपा हो और आपको जल्दी से जल्दी कोई भक्त सेवा के लिए बोले और आप यहाँ ये सेवा कराएं, क्योंकि यहाँ इसकी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ सामने आप, मैं आपको जिसे कहता स्वयं दिखा रहा हूँ इस चीज़ों को, और मैं फील कर रहा हूँ कि ये आप देखिए कि इन चीज़ों पे आप ज़रा फोकस अगर करेंगे तो बहुत उचित होगा। किसी भक्त के थ्रू अगर कोई ये कार्य हो जाता है तो जिसे कहते हैं बहुत अच्छी बात होगी और हमारा यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। आप, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर कोई भक्त यहाँ पे नहीं आ पाता है, ब्रज में नहीं आ पा रहे हैं, आप सेवा तो करना चाह रहे हैं लेकिन ब्रज में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट ये कार्य करती है, तो आप ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को ये सेवा कर सकते हैं। सामने आपको डिटेल शो हो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की, यहाँ पे हम स्वयं आएंगे आप सबकी सेवा लगाने के लिए और आपको वीडियो के माध्यम से एक एक अपडेट देंगे। वीडियो का अपडेट आपको ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ पर सेवा ज़रूर करें, बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत अद्भुत स्थान है, इस स्थान पे आप ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। ये स्थान जिसे कहते हैं ना ब्रज में, नंदगांव में, मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्थान मैंने पहले क्यों कवर नहीं किया, मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। आनंदपूर्वक दर्शन हुए हैं मुझे, अगर आपको भी आनंद आया दर्शन करके, अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना हर जगह, ताकि इसकी महत्वता हर जगह पहुँचे, सब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए और आनंद लें। एक बात आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इस स्थान की जो भव्यता है, जो जिसे कहते हैं एक ऑरा है, वो बहुत डिफरेंट है। मैं रियलिटी बताऊंगा, यहाँ पे आपको तोते, इतने सारे तोतों का ग्रुप, जो जिसे कहते हैं तोतों का झुंड, यहाँ पे मोरों का झुंड, इतने सारे मैंने जिसे कहते हैं पक्षियाँ देखे हैं यहाँ पे। और जिसे कहते हैं ना जहाँ मोर है वहाँ पे ठाकुर जी स्वयं हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा यहाँ पे सेवा ज़रूर करें। अगर आपको आज की इस वीडियो में आनंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना। आज हमारे साथ थे गौसेवक जी। गौसेवक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमें यहाँ पे लेके आए, और उम्मीद करते हैं भक्त यहाँ पे आएंगे स्वयं। और अगर आप किसी गाइड और दर्शन करने ज़रूर आएँ, बिल्कुल, अगर किसी गाइड के थ्रू आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप स्वयं दर्शन करने जरूर आएँ, गाइड के साथ आएँ। अगर आपको कोई गाइड नहीं मिलता है तो आप स्वयं गौसेवक जी की हेल्प ले सकते हैं, 2 मिल 1 पे ही आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने जैसे कि देखा कि किस प्रकार की यहाँ पे परिस्थिति है, हमने आपको दर्शन कराए, जो गुफा में दर्शन कराए हमने आपको, आपको यहाँ पे अगर आनंद आया तो हमें ज़रूर बताना। मुख्य स्थान पे हमने आपको दर्शन कराए, वहाँ पे जो इतना सुंदर जिसे कहते हैं ना एक स्वरूप बना हुआ है, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए। ये स्थान अपने आप में बेहद अद्भुत स्थान है, जिसकी व्याख्या मैं आपको किस प्रकार करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अलग सा ऑरा है, एक अलग सी शांति है, वो आप यहाँ पे स्वयं आके ही महसूस कर सकते हैं। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस स्थान पे सेवा ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे स्थान मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जहाँ पे कोई नहीं जा पाता है। मेरी कोशिश, मेरी वीडियोस जिसे कहते हैं ना डिले ज़रूर होती है, मेरी वीडियोज़ देर से आती हैं काफ़ी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है आपको उस स्थान पर लेकर जाऊँ जहाँ पर किसी भक्त की रीच नहीं है, जहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच पाता है। ये भी उनमें से वही एक स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ पाता है सरलतापूर्वक। यहाँ का जो रास्ता अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि किस प्रकार हम यहाँ पे आएंगे, तो इस प्रकार का ये रास्ता, लेकिन यहाँ पे आप ज़रूर आएं दर्शन करने के लिए, ये स्थान अद्भुत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको आनंद आया होगा। अगर आप यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को, डिटेल आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, हम आपकी सेवा यहाँ पर लेकर आएंगे और आपको एक एक अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप स्वयं यहाँ पर दर्शन करने भी आएँ, क्योंकि ये स्थान अपने आप में जो कहते हैं ना, अगर आप स्वयं आएंगे फिजिकली दर्शन करने
जाएंगे तो आप इस चीज़ को जैसे कहते हैं जान पाएंगे, लेकिन जो तत्काल सेवा की आवश्यकता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया टीन शेड, जहाँ पे वो टीन जैसे कहते हैं ऊपर जो कमरे में जहाँ पे ठाकुर जी की रसोई बनती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ज़रूरत है, तत्काल सेवा होनी है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप सेवा ज़रूर कीजिएगा। डिटेल आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, आप यहाँ पर वृद्धाश्रम सेवा ट्रस्ट को सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर जगह यहाँ का महत्व जा सके कि जिसे कहते हैं नंदगांव में आज भी एक अनसीन प्लेस ऐसा है जहाँ पे भक्तों की रीच नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी को पूर्णमासी से राधे राधे। अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं बाहर की तरफ, जिसे कहते हैं, तो आपको मार्ग दिखाएंगे कि किस तरीके का ये मार्ग है यहाँ पे आने के लिए। इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ बरसाना और नंदगांव वाले रोड पे। आप मेरे बैक साइड में देखेंगे, इस तरफ है नंदगांव और सामने की तरफ है, फ्रंट की तरफ है बरसाना, और उसी के बीच में ये मार्ग आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये एक ऐसा मार्ग है कि ना तो यहाँ पे कोई मुख्य द्वार है जिससे आप ये पता लगा सके कि यहाँ पे वो मार्ग जाता है या मंदिर के लिए रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पे एक साइन बोर्ड है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन बोर्ड है, और इसके सामने ही एक बहुत अच्छी आपके लिए जिसे कहते हैं पहचान ही रहेगी कि यहाँ पे एक शिव परिवार और एक हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है। मैं दिखाना चाहूँगा, और वहीं से ही इसके बराबर में ही ये मार्ग जाता है अंदर पूर्णमासी के लिए। और यहाँ पे ये साइन बोर्ड आप देखेंगे, इस साइन बोर्ड में आप देखेंगे इसमें लिखा है श्री पूर्णमासी पुरोहितानी देवी योग माया जी, और इसके सामने ही आप यहाँ पे देखेंगे ये मार्ग है। और मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, ये वही मार्ग है जहाँ पे बरसाना और नंदगांव वाला रोड, ये सीधा जो जा रहा है ये वाला मार्ग जा रहा है सीधा बरसाना, और इसके बैक साइड में जो ये आप ये देख रहे हैं ये जा रहा है सीधा नंदगांव के लिए, उसी के बीच में। और इनफैक्ट अगर आप दोमिल वन जाते हैं तो दोमिल वन इसके अगला कट जो आएगा वो दोमिल वन के लिए ही है जो हमने आपको दिखाया है जहाँ के। लेकिन इस रास्ते पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक झलक दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत सकरा रास्ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही पतला, इसमें एक बार में एक ही गाड़ी यहाँ पे जा सकती है। सामने से अगर कोई गाड़ी आती है तो उनके लिए जिसे कहते हैं मुश्किल हो जाएगा कि उनको पास देना यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें ये जिसे कहते हैं ईंट वगैरह डाली हुई है, जिससे वो गड्ढे पे आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर जो भी यहाँ से जाता है वो फंसे ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि दर्शन करने ज़रूर आएँ, और ये मुख्य जो एक साइन बोर्ड है यही है इस स्थान पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में ये सबसे अच्छी पहचान रहेगी आपके लिए कि यहाँ पे एक शिव मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर है जो आप सामने देख रहे हैं।